नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में पहुंचे हैं बड़ा इमामबाड़ा। वैसे तो आप यहां पर पहले भी आए होंगे, आज आप देखेंगे हमारी नज़र से क्या कुछ खास यहां पर होने वाला है इमामबाड़े में। और दे बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। यहाँ पर बैग जमा हो गए हैं, सुरक्षित हैं। टाइम जो है वो दिया है 6 बजे का, 6 बजे वापसी आना है बैग लेने के लिए। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं, मतलब 18 बजे हमको आना है और कह रहे हो 18:15 तक आ जाएं, मतलब कि 6:15 बजे तक आप आ जाएं। एक रास्ता बना हुआ है भूल भुलैया का, चलिए चलते हैं आगे से, टिकट लेते हैं और घूमते हैं। एंट्री करने से पहले इस साइड से टिकट लेने के बाद चलिए करते हैं एंट्री। बड़ा इमामबाड़ा, शाम को है भीड़ ठीक ठाक। यहाँ पे नहीं दिया पहले, यहाँ पे जाने से पहले रखनी पड़ेगी चप्पल, उसके बाद मिलेगी एंट्री। चलिए रख दिए हैं चप्पल, एक बार ही देखते हैं पहले यहाँ से एंट्री करके। अंधेरा हो रखा है बहुत ज्यादा, बंद होने वाला है। चलते हैं भूल भुलैया की तरफ। भूल भुलैया की छत पर, और यहाँ पर अब कुछ बहुत खास होने वाला है। इतना खास कि आप जब ही समझ पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में हमारे साथ, क्या खास होने वाला है देखने के लिए। ऐसा कहा गया था कुछ खास होने वाला है, खास कुछ ही सेकंडों में होने जा रहा है। इस भीड़ में कुछ अपने लोग भी हैं, पहचानो उन्हें। और ये देखिए लगा बंदा, यार इतनी भीड़ में कौन अपना है। नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। अरे क्या हाल है भाई? अरे अरे कच्चे से पहचान लिया भैया। नमस्कार, आज मुलाकात हो गई है फाइनली। क्या कहना चाहेंगे आप? ये शिवा भैया हैं, मनोज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यहाँ मुझे लखनऊ में इस तरह टकरा जाएंगे। हरिद्वार में तो हम लोग मिलते रहे हैं, साथ चाय पीते रहे हैं, शायरी करते रहे हैं, और मनोज भाई का जो समाज को लेकर काम है वो वाकई में बहुत काबिल है। बहुत धन्यवाद भैया। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुनीत भैया हैं। मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि जो आपने काम करे हैं वो वाकई वीडियो के लिए यूट्यूब वाकई ये काबिले तारीफ है। और जो आप काम कर रहे हैं अभी तक समाज को लेकर, समाज सेवी के रूप में, वो वाकई बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और लगे रहें, बस दुआएं हैं। बहुत धन्यवाद भैया। अरे भैया आशीर्वाद आपका। ये हैं कुणाल जी। कुणाल भैया आखिरकार दिल्ली से मुलाकात होगी। हमारी काफ़ी बातें होती रहती थी बीच बीच में, भैया के फ़ोन, कभी हमारे फ़ोन,
का भी मैसेज क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत थी। अगर ये हकीकत हो जाए और इसे कोई हकीकत कर सकता है तो वो मनोज निषाद है। हरिद्वार में वो अस्पताल निर्माण के लिए कोई एक इंसान 3 सालों से न जाने कितनी मशक्कत कर रहा है। पाँच सालों से माफ़ी की सजा है, चाय पिलाओगे? पिला देंगे। तो जो भी इसे देखें आप प्लीज़ इनके समर्थन में आएँ, और ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद दादा। लखनऊ में घूम के कैसा लग रहा है? बस लखनऊ में सबसे अनोखी चीज़ ये हुई कि मनोज निषाद मिले। ये इधर इनका परिचय मैं नहीं दूंगा, मेरा परिचय मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरा परिचय ये भी नहीं देते। लोग पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बताए कि हम बताएं क्या? बताएं क्या? कैसा लगा इमामबाड़ा घूम के? और बना ब्लॉग हमारे साथ। दोबारा और बना ब्लॉग हमारे साथ। भैया बताओ, सीओ भैया, बहुत अच्छा लगा इमामबाड़ा घूम के, और यहाँ का गाइड ईशान बड़ा अच्छा था, और बाकी जो वीडियो शूट कर रहे हैं हमारी, उनके बिना कोरोना का दूरी है। हरिद्वार हो चाहे लखनऊ हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इसराइल हो अमेरिका भी, जान तो जान तो कोई कहीं नहीं। कैसा लगा भैया? अच्छा है, लगे रहो भैया। कैसा लगा साथ में घूम के हम लोगों के? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इधर भैया कहाँ? सदा भाई कैसा लगा भाई? हम तो यही रहते हैं। हमारे साथ घूम के कैसा लगा? घूमे ही नहीं। तो मिलकर कैसा लगा? घर के मुर्गी साग बराबर, बस अच्छा लगा। आप लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजन भाई बहुत अच्छा लगा, गरम-गरम सा बढ़िया एकदम। चलो 3 मिनट में आइए। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतर। आप और जिंदा पकड़ने। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं मनोज भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा काम, बहुत धन्यवाद।